सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओप्पो के न्यू स्मार्टफोन लॉन्च के बारे में। ओप्पो ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च कर दिया है। उस स्मार्टफोन का नाम है ओप्पो A5। इस स्मार्टफोन की सबसे अहम खासियत, इसमें 4320 mAh की बैटरी दी गई है। ओप्पो के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में नैनो स्केल माइक्रो क्रिस्टलिन टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन किया गया इम्यूजन टेक्सचर बैक पैनल है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस सेल्फी कैमरा और डिस्प्ले जो इसकी दी गई है वो नॉच डिस्प्ले है। यह स्मार्टफोन डिफरेंट कलर वेरिएंट में आता है और यह मेटल फिनिश फ्रेम से लैस है। इस स्मार्टफोन में 4320 mAh की बैटरी दी गई है। इसके बारे में बताया गया है कि ये 14 hours तक का वीडियो प्लेबैक टाइम और 11 hours तक का गेमिंग टाइम दे सकता है। ओप्पो A5 स्मार्टफोन की प्राइस की बात करें तो चाइनीज़ मार्केट में ओप्पो A5 की प्राइस 1500 चाइनीज़ युआन यानी करीब 15,500 इंडियन रुपीज़ रखी गई है। यह स्मार्टफोन फ़िलहाल चाइना में ही प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है। इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किए जाने के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है और यह स्मार्टफोन मिरर ब्लू और मिरर पिंक कलर में अवेलेबल होगा। ओप्पो A5 स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस फ़ोन में एंड्रॉयड 8.1 ओरियो बेस्ड कलर OS 5.1 दिया गया है। इसमें 6.2 इंच की HD+ फुल व्यू डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजोल्यूशन 720p x 1520p दिया गया है। स्क्रीन 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले दिया गया है, नॉच डिस्प्ले। इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 87.9% है। डिस्प्ले में 2.5D कर्व ग्लास भी दिया गया है और इस स्मार्टफोन में 1.8 GHz क्लॉक स्पीड वाला ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 506 GPU इंटीग्रेटेड किया गया है और इसमें 4GB रैम दी गई है और 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है जिसे microSD कार्ड के ज़रिए 256GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी कैमरा 13 MP का, एपर्चर f2.2 से लेस है और सेकेंडरी कैमरा 2 MP का है जो एपर्चर f2.4 वाला है। रियर पर एक LED फ्लैश भी दिया गया है। फ्रंट पैनल पर 8 MP का एपर्चर f2.2 वाला कैमरा दिया गया है। फ्रंट सेंसर में काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्यूटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो इस फ़ोन में 4G वोल्टी का सपोर्ट दिया गया है, वाईफाई, ब्लूटूथ 4.2, GPS, AGPS, माइक्रो USB 3.5 mm, हेडफोन जैक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। और इसकी बैटरी के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया, इसमें बैटरी 4230 mAh की दी गई है। तो ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से ही कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।